भैया इतना सब कुछ बताने के बाद अभी तुमको खुद कमेंट में पता चल जाएगा कि कौन 80s का है और कौन 90s का, कौन सा बोल तो रहे पॉडकास्ट अपना बंद करो, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारे डैडा ने चुन लिया, इतना चुन लिया। बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पे आकर, बहुत अच्छा मिलके लगा, बहुत खुशी हुई मेरे बारे में आपने पूछा। हां जी ना, मेरा थप्पड़ पता नहीं कौन सन की बता रही है मुझे, 720 की। जैसे अभी वो चलता आधार कार्ड, आधार कार्ड से पहले राशन कार्ड, राशन कार्ड से पहले वोटर आईडी कार्ड होता था, वही जो आज है वही चीज थी, वही चीज आधार कार्ड नया ऐड हुआ है, बाकी वो वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड यही आइडेंटिटी का वो था। बस आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। एक और चीज पूछना है, पूछो। हाँ, एक और चीज मेरे दिमाग में आई, जैसे अभी हम लोग पेप्सी कोल्ड ड्रिंक चिप्स ये सब खाते हैं, तो आप लोग पहले क्या खाते थे? आप पहले जमाने में तो ये सब नहीं होता था ना, वो याद है कि जैसे छोटी छोटी चीजें हम तुम्हें बताते, जैसे तुम लोग ये कुरकुरे वगैरह खाते हो ना, चिप्स विप्स खाते हो, हम लोग खाते थे नटखट, जो हम आज मिलता है और आज भी खाते हैं खरीद के नटखट, रोज का 5 रुपए बनता था हम लोग, 2-1 रुपए की मिलती थी। हाँ, वो खाते थे। मम्मा दोनों चिल्लाती है कि क्या पुराने जमाने का, 5 रुपए में कुछ नहीं मिलता है। पर मेरे टाइम पे जो आज तुमको मैं बताऊं, जो हार्ट शेप में केक आता है ना, वो एक हार्ट शेप में आता है, वो मेरे टाइम में बहुत फेमस होता था, इतने बड़े बड़े आते थे, 1 रुपए का मिलता था। बाप रे बाप, यहाँ इतना बड़ा 20 रुपए का मिलता, मेरे टाइम पे 5 रुपए, 1 रुपए का मिलता था, इतना बड़ा बहुत बड़ा होता था, वो मैं खाता था, बहुत पसंद था वो, मम्मी मेरे लिए रखती थी। और इनकी अम्मी एक बार बता रही थी कि ये बड़ा वाला बिस्किट खाते थे, और एक बार नहीं था ये रो रहे थे, तो घर में क्या किस चीज का बना दिया था, तो उसकी बेसन की रोटी, बेसन की इतनी बड़ी रोटी, बोले भैया खा लो बड़ी वाली, वो क्या कहते हैं 1 रुपए वाला बिस्किट, और इतने बेवकूफ इन्होंने खा भी लिया था, हम तो बहुत चढ़ते हुए, सीधा दम है, बेवकूफ सीधा नहीं था। हो गया तुम्हारा पॉडकास्ट, मजा आ गया। पर आप, अच्छा आप बताइए, आप 90s की हैं 80s की? भैया इतना सब कुछ बताने के बाद अभी तुमको खुद कमेंट में पता चल जाएगा कि कौन 80s का है और कौन 90s का, कौन 70 का, कौन 60 का है। अब तुम्हें कमेंट्स पढ़ना अपने, भैया आप लोग कमेंट्स करना, जिससे हमारा पता चल जाएगा। मोबाइल मम्मा छूने नहीं देती, छूने तो पिट जाते हैं। कमेंट्स मैं इनको पढ़ के बता दूंगी कि ये कमेंट आ रहा है, ठीक है। और लाइट का, हाँ ये बढ़िया था, लाइट का एक टाइम अपना रहता था, बंधा टाइम, तो या जो जैसे शहर का मैं बता रही हूँ, शहर में हम लोग रहते थे, तो शहर में हमेशा अलाहाबाद की लाइट 10 बजे सुबह कटती थी और 1 बजे दोपहर में आती थी। अर्ली मॉर्निंग उठ के टीवी खोल के सिर्फ गाना सुने, आज बच्चे दिन भर जहाँ चाहे वहाँ देखें, सुबह 7:30 बजे देखते थे गाना, सुनते वीडियो, कितने बजे सुबह 7 बजे उठ के टीवी लगा के संडे वाले दिन, और प्रोग्राम में आता था चंद्रकांता और क्या कहते हैं द ग्रेट अकबर, द ग्रेट, द ग्रेट मराठा, ये सब प्रोग्राम हुआ करते थे, और एक वो आता था क्या था, समंदर कुछ, समंदर का पानी, उसका ये था गाना क्या कहते हैं, समंदर की हंसी लहरों पे कामिल हुक्मरान हैं हम, ऐसा बहुत पुराने प्रोग्राम। अब बस कर दो, पता है अब तुम्हारा पॉडकास्ट अपना बंद करो, बोल नहीं पा रही है, बोल तो रहे हैं पॉडकास्ट अपना बंद करो, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारे डैडा ने चुन लिया, इतना चुना आपको लग रहा होगा कि डैडा ने चुना है, आपके जमाने से ज्यादा अच्छा डैडा के जमाने की स्टोरी लगी है, इंटरेस्टिंग थी डैडा की स्टोरी, और आपके जमाने एकदम चुना, देखिए इनके जमाने में कुछ था ही नहीं, देखिए आप नए जमाने के थे और ये पुराने जमाने की पता नहीं कौन सी पिछड़ी थी, बापिट तो हो गया। अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पे आकर, बहुत अच्छा मिलके लगा, बहुत खुशी हुई मेरे बारे में आपने पूछा, हमारी लाइफ के बारे में, थैंक यू सो मच। पुराने जमाने की बुद्धि हो गई, जितना मारना आप मारी है, फुल आजादी है, पुराने जमाने की है ना, बुद्धि हो गई, समझ में आ रहा है, बुढ़ापा खतरनाक निकलेगा मेरा, जाओ जाओ जाओ। अरे अरे।